हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं पीसी सुधार। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे रैम और रोम में क्या अंतर होता है, जो कि कंप्यूटर में पाई जाती है, जो कि मेमोरी होती है। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण चीजों में रैम और रोम आते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है, और साथ ही बताएंगे कि रैम और रोम में क्या अंतर है और इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रैम क्या होती है या रोम क्या होती है? अगर हाँ, तो आज आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, और साथ ही आप आज रैम और रोम में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। अगर आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है या करते हैं, तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में रैम और रोम तो मोबाइल में भी होती है, तो मोबाइल में अगर यूज करते हैं तो उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। आप और हम सभी आज कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा इंटरनेट से जुड़े हुए और दिन रात इसी के द्वारा अपना कार्य करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारे सभी कार्य पूरे होते हैं? कंप्यूटर पर हम अपनी सभी जरूरतें चीजें आसान बनाने के लिए करते हैं, और आज के टाइम में तो कंप्यूटर का महत्व और भी ज्यादा हो चुका है। आजकल लगभग सभी के पास कंप्यूटर है और इसका इस्तेमाल अपने तरीके से और अपने इस्तेमाल के हिसाब से करते हैं। दोस्तों, रैम और रोम के बीच का अंतर जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रैम एवं रोम क्या है एवं उनके कार्य क्या क्या हैं। रैम और रोम का अर्थ कार्य निम्नलिखित है। आइए जानते हैं कि रैम क्या है और रोम क्या है, साथ ही उसके बाद आपको बताएंगे कि रैम और रोम में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है। रैम में डाटा और निर्देश सेल में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रोज एवं कॉलम्स से मिलकर बना होता है, जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है। इसे सेल पाथ भी कहते हैं। सीपीयू इन सेल्स से अलग अलग डाटा प्राप्त कर सकता है। रैम दो टाइप के होते हैं, स्टेटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टेटिक रैम रैम का फुल फॉर्म है। इस प्रकार की रैम में डेटा 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल की स्थिति का उपयोग करके संग्रहित तो किया जाता है। स्टेटिक रैम का उपयोग ज्यादातर प्रोसेसर सीपीयू के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। डीरैम का मतलब डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक प्रकार की रैम है जो आपको एक विशिष्ट संधारित्र सर्किट के भीतर एक अलग संधारित्र में प्रत्येक बिट डेटा को संग्रहित करने की अनुमति देता है। डायनेमिक रैम कई आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक नई मानक कंप्यूटर मेमोरी है। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें एक पीसी शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग है जो बूट अप के लिए आवश्यक है। यह प्रमुख इनपुट आउटपुट कार्य करता है और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर निर्देश रखता है। कितने टाइप की होती है? पी रोम होती है, एम रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ई रोम। अब इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, एम रोम मास्ट रीड ओनली मेमोरी होता है, ई पी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ई ए रोम इलेक्ट्रिक अटरेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम विज रोम, रैम किसी भी मोबाइल और कंप्यूटर की स्पीड के लिए जरूरी होता है, और वहीं रोम को किसी भी डिवाइस में स्टोरेज के तौर पर यूज किया जाता है। रैम में डाटा केवल कुछ ही समय के लिए या जब तक डिवाइस को रिफ्रेश या रिस्टार्ट ना किया जाए तब तक रहता है। वहीं रोम का डाटा जब तक चाहकर डिलीट ना किया जाए तब तक मौजूद रहता है। रोम में आप डाटा को एमबी यानी मेगाबाइट में स्टोर कर सकते हैं। वहीं रैम में डाटा को जीबी में स्टोर कर सकते हैं। रैम उस डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग लिया जाता है जिसे सभी सीपीयू द्वारा चलाया जाना है। रोम केवल सीपीयू द्वारा पढ़ा जा सकता है, सीपीयू इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। रोम और रैम दोनों ही मदरबोर्ड के ही हिस्से हैं, लेकिन रैम के बिना मदरबोर्ड कार्य नहीं कर सकता। लेकिन रोम का होना मदरबोर्ड के कार्य करने के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी कि रोम किसी भी डिवाइस के लिए उतना मायने नहीं रखता जितना कि रैम। रैम और रोम में एक बड़ा अंतर यह है कि रोम में डाटा बिना पावर के भी सेव हो सकता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता। रोम चिप में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किसी भी तरह की पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, जबकि रैम के लिए पावर सप्लाई हटने पर स्टोर इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है।
रैम का इस्तेमाल कंप्यूटर में भी होता है। उदाहरण के लिए आपके ब्राउजर में खुले पेज का डाटा रैम में स्टोर हो रहा है। रोम और रैम में एक बड़ा अंतर यह है कि रोम में डेटा बिना पावर के भी सेव हो सकता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता। रैम रोम के मुकाबले अपेक्षाकृत ज़्यादा तेज होती है, रोम काफ़ी ज़्यादा सुस्त होती है, स्लो होती है। इसका कारण यह भी है कि रैम किसी भी डाटा को केवल एक इमेज ही सेव करती है, वहीं रोम डाटा को पूरी तरह से कॉपी कर लेती है। अगर आप रोम में डाटा को सेव करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया में गुजरना होता है। हालांकि रैम में इसका उल्टा होता है, इसमें आप बड़ी तेज़ी से डाटा को सेव कर सकते हैं। रोम में डाटा स्टोर करने की प्रोसेस काफ़ी लंबी है और रैम में प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से की जाती है। रैम को आप किसी डिवाइस में रोज़मर्रा के कामों के करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा रोम को महज उसी समय इस्तेमाल किया जाता है जब उस डिवाइस का निर्माण किया जा रहा होता है। रोम का इस्तेमाल परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, जबकि रैम का इस्तेमाल टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए होता है। रैम और रोम मिलते जुलते नाम लगते हैं और इनका काम भी मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग कारण से किया जाता है। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर, टैबलेट आदि में किया जाता है।